व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले सुपर एट मुकाबलों से पहले इंडियन टीम में कल है आरजे रोनक की वीडियो। क्या क्या कल है हो चुके भैया, टाइटल बड़ा जबरदस्त है। चार बजे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इतने दिन हो गए आईपीएल के बाद इंडियन क्रिकेट से कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई, तो लीजिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पंड्या के बाद अब रोहित शर्मा की किसके साथ अनबन हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। रिजल्ट के हिसाब से भले ही मैच का कोई मतलब न हो कल का, लेकिन आज के बाद टीम इंडिया में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। आपको पता होगी ये बात कि वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों के अलावा 4 खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर चुने गए थे, रिंकू, शुभमन, खलील अहमद और आवेश खान। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर आई कि क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए कनाडा वाले मैच के बाद गिल और आवेश खान को वापस इंडिया भेजा जाएगा। आज की तारीख में शुभमन और आवेश फ्लोरिडा से मुंबई की फ्लाइट में बैठ रहे होंगे। वजह ये भी थी कि वैसे भी टीम के पास जायसवाल के रूप में ओपनर है जो बेंच पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को मौका नहीं मिल रहा, तो गिल के होने का क्या फायदा। वेस्ट इंडीज में तेज गेंदबाजों का भी कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए आवेश खान को भी रखने का कोई फायदा नहीं। खलील तो है, मुझे लगा बात तो सही है, लेकिन वापस भेजने की क्या जरूरत है, दुनिया का इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड है, रख लेते साथ में। वैसे भी इस वक्त देश में इतनी गर्मी है, उनकी समर वेकेशन हो जाती। लेकिन कल जो खबरें आई हैं उन्होंने समझा दिया है कि बीसीसीआई ने गिल को वापस क्यों भेजा है। अमेरिका से ये रिपोर्ट आ रही है कि गिल को वापस डिसिप्लिनरी इशू की वजह से भेजा जा रहा है। सुनने में आया कि गिल अमेरिका गए तो टीम के साथ थे, लेकिन उसके बाद वहां जाकर टीम से अलग हो गए, मौज मस्ती काटा, गिल नेट प्रैक्टिस का भी हिस्सा नहीं बने, मेन मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं रहे। न्यूयॉर्क का पाकिस्तान वाला मैच जहां पर रिंकू, आवेश और खलील दिखाई दिए थे, वहां पर भी गिल नदारद थे। गिल के ऊपर इल्जाम है कि वो टीम से अलग होकर साइड प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट में व्यस्त थे। हालांकि ये खबर आने के बाद एक बीसीसीआई अधिकारी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और पहले से डिसाइडेड था कि गिल ग्रुप स्टेज के बाद इंडिया वापस आ जाएंगे, लेकिन लोगों का माथा तब ठनका जब उन्होंने देखा कि शुभमन गिल रोहित शर्मा को इंस्टा से अनफॉलो कर चुके हैं। अब देखो, बिना आग के लगे धुआं थोड़ी ना उठता है, इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि गिल और रोहित के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रोहित शर्मा के फैंस कल दिन भर सोशल मीडिया पर गिल के खिलाफ भड़क रहे थे। उनका कहना था कि गिल को जितना सपोर्ट रोहित ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। गिल की वजह से रोहित को शिखर धवन को ड्रॉप करने जैसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन गिल ने बदले में क्या दिया, धोखा और अनफॉलो। गिल फैंस डिसिप्लिनरी इशू वाली बात को बीसीसीआई के सोर्स की बात से काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर गिल टीम के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे और उन्होंने रोहित शर्मा को इंस्टा से फॉलो अनफॉलो क्यों किया, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या गिल पर बीसीसीआई बाद में वैसे ही एक्शन लेगी जैसे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पे लिया। ये वर्ल्ड कप खत्म हो और टीम इंडिया वापस आए तब इन सारे राज से पर्दा उठेगा, लेकिन कल फिलहाल बारिश का पर्दा लग गया। फ्लोरिडा में इंडिया और कनाडा के बीच का मैच गिल आउटफील्ड की वजह से रद्द कर दिया गया, और हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ना था, कनाडा पहले से ही बाहर था, इंडिया पहले से अंदर था। अब सुपर एट में हम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश से खेलेंगे। इस बारे में कल और भी बात होगी। फिलहाल आप कमेंट करके बता दो कि क्या रोहित और गिल की लड़ाई की वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, कौन है वजह, है क्या है वजह, ये तो नहीं पता, लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से आजकल फैलती है। सोशल मीडिया का यही तो फायदा है कि फायदा भी नुकसान भी है, अफवाहें ऐसे फैल जाती है कि सच्चाई की जगह अफवाहों पर ज्यादा विश्वास होने लग जाता है। तो क्या है सच्चाई इसमें, क्यों अनफॉलो किया गया या पहले फॉलो कर भी रहा था, ये भी दिलचस्प रहेगा। फैंस बहुत चालू होते हैं, उन्हें पता होगा फॉलो कर, तभी उन्होंने बोला है कि नोटिस कर दिया भैया, लेकिन पता नहीं भैया। लेकिन हाँ, अगर बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा कि दो प्लेयर को भेजा है तो आवेश खान करोगा, अगर वैसी बात है तो मुझे की लपेटे में लिया, डिसिप्लिनरी इशू है तो, और अगर वैसे है तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी। बाकी देखो, सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया पे लोग वो क्या कहते हैं, वो कहीं से कुछ छानबीन कर ज्वाला फूकने के लिए तैयार रहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ मिले, मिर्च मसाला और लीपा पोती करें। बाकी आई एम श्योर सब ठीक ही होगा। अगर अनफॉलो फॉलो करने वाली बात है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी अनफॉलो कर देती मेरे को जब मन करता है, मैं तो गुस्से में सबसे पहले इसको अनफॉलो करती हूं। क्या है पूरा मामला इसके बारे में, अब डेवलपमेंट तो होगी कुछ ना कुछ तो, और अगर अनफॉलो किया है रियलिटी में तो कुछ तो गड़बड़ है दया, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, मैच की अगर हम बात करें, उस दिन गिल दिखा नहीं था, मे बी कैमरा ना गया हो वहां पर, क्योंकि रिंकू और आवेश को देखा था मैंने, लेकिन फोटो तो अब उसकी भी आ गई थी ना, खलील की भी। हाँ। उस दिन तो खलील को मैंने देखा नहीं था, मे बी मैंने उस टाइम मिस कर दिया, लेकिन गिल नहीं दिखा। ठीक है भैया, अब हम बिल्कुल तो बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से भी नहीं कह सकते हम कि हम सूत्र हैं। हमें तो जो आर्य ने बताया वही। बाकी आई होप सब ठीक हो और टीम बढ़िया खेले। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।